हेलो एवरीवन, लेकर आ गया एक और न्यू मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप बताने वाला हूँ, बल्कि मैंने वो एप्लीकेशन यूज भी कर रहा हूँ, उसी रिकॉर्डर से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम है एक्स रिकॉर्डर, आपको ये सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। देख सकते हैं प्ले स्टोर पर मैंने सर्च कर रखा है एक्स रिकॉर्ड, सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके डाउनलोड भी देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्डर एप्लीकेशन मिल जाएंगे, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा। तो चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, ओपन करते हैं और क्या है क्या फीचर्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, और हाँ वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक। चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, मैं उसी एप्लीकेशन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो थोड़ा नॉइस आ रहा होगा इधर, तो उसके लिए सॉरी, उसे इग्नोर करिएगा। ये सब देख सकते हैं मैंने ये सब वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं अभी, बहुत सारे वीडियोस इसी एप्लीकेशन से डाउनलोड सॉरी रिकॉर्ड किए थे और मेरे फाइल में भी है। तो एप्लीकेशन का ओपन होते ही ऐसा इंटरफेस सबसे दिखेगा, जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो सब सारा पहले दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको कैमरा यहाँ ऑन होगा, फोटोज़ भी जो स्क्रीन शॉट लेंगे वो शो करेगा, और यहाँ पर नीचे टाइमर तो दिख ही रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर एडिट पे नीचे टैप करेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो जैसे एडिट करना होगा तो जैसे कोई भी वीडियो मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, जिससे वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, वॉल्यूम टेक्स्ट या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी हाय हेलो जो भी आप लिख लिया होगा लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। वैसे एडिटिंग यहाँ पर अच्छी खासी थी, रेशियो किस रेशियो में आपको वीडियो रखना है, शॉर्ट वीडियो के रेशियो में रखना है तो आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर, जो भी रेशियो आपको सेट करना होगा। यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं, जिस साइड में क्रॉप करना है वो, और रोटेट वीडियो को रोटेट करने के लिए ऑप्शन है। मतलब काफ़ी अच्छे सारे सेटिंग्स दिए हैं, बट सारे सेटिंग नहीं इतनी काफ़ी, आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप इसका टैग भी हटाना चाहते हैं तो फ्री टू अनलॉक ऐड अगर देखेंगे तो इनका इसका टैग हट जाएगा। तो इसमें यही है कि आप प्रीमियम अगर नहीं लिए हैं तो आप बस एक ऐड देखेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, फ्री टू अनलॉक रिमूव वाटर मार्क, तो ये ऐड आएगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपका ये वाटर मार्क हट जाएगा। तो मेरा नेट लगता है थोड़ा कम चल रहा है इसीलिए लोडिंग ले रहा है, तो ये अभी नहीं है ऐड, तो सॉरी थोड़ी देर बाद आ जाएगा ऐड। तो वही ऐड देख कर आपका ये टैग हट जाएगा। तो जो और आगे बताते हैं, यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं वीडियो, इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ, और आप एडिट फोटो जो भी फोटो है उसे एडिट कर सकते हैं, और मर्ज वीडियो एंड फोटोज़, मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पर दिए, वीडियो कंप्रेस, मतलब ये प्रो लोगों के लिए है वीडियो कंप्रेस करने वाला। यहाँ पर भी आप ऐड देखकर भी इसे कंप्रेस कर सकते हैं, बट मेरा अभी ऐड पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए, बट थोड़ी देर बाद शो करने लगेगा। बट आप डाउनलोड करेंगे तो ये जरूर शो करेगा। तो ऐसे भी वीडियो कंप्रेस करते थे, और फाइल मैनेजर ऐड वगैरह वगैरह सेटिंग्स दिया है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेन सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे। रिकॉर्ड आइडियो, तो रिकॉर्ड कैसा आइडियो करना, माइक्रोफोन से म्यूट करना, इंटरनल आइडियो करना चाहते हैं, मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे म्यूट कर देंगे तो आप साइलेंटली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऊपर से बोल सकते हैं, और माइक्रोफोन तो आप अपना माइक लगा कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने माइक्रोफोन पर सेट किया, माइक से मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इंटरनल आइडियो अगर करते हैं तो इंटरनल आइडियो में सिर्फ आपकी ही मोबाइल की इंटरनल आइडियो जाएगी, एक्सटर्नल आवाज़ नहीं जाएंगी, जैसे इधर नॉइस पॉल्यूशन। और इंटरनल एंड माइक्रोफोन, मतलब इंटरनल और माइक्रोफोन दोनों, मतलब समझ गए होंगे, जो माइक्रोफोन से बोलेंगे वो भी और इंटरनल दोनों रिकॉर्ड हो, ये भी कर सकते हैं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम 100% है, वॉल्यूम को आप बढ़ा घटा सकते हैं जिस तरीके से। और रिजोल्यूशन आप 720p पे ही रहेगा तो सही रहेगा, तो मैं भी रिकॉर्ड करना तो वही है। क्वालिटी ऑटो कर दीजिएगा, जिस क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और FPS को भी ऑटो रहने दीजिएगा, ओरिएंटेशन भी ऑटो रहेगा तो सही रहेगा। ओरिएंटेशन का काम ये होता है कि जैसे आप वीडियो को रोटेट करके ऐसे बना रहे हैं उल्टा सीधा जो भी, तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा, नहीं तो अगर पोर्ट्रेट रहता है सीधे तो वो सीधे ही रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या मांग रहा है, लट से अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पर ओरिएंटेशन हो गया, यहाँ पर सेव लोकेशन, कहाँ सेव करना चाहता हूँ वो तो वो होता ही है, जैसे मेमोरी में या जो भी फाइल मैनेजर में। और रिपेयर यूज, ओपन द परमिशन रिपेयर UI क्रैश, तो ये क्रैश करने के लिए, मतलब रिपेयर करने के लिए दिया है। और मेन सेटिंग्स नीचे आते हैं, कंट्रोल सेटिंग्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग मोड तो नॉर्मल मोड है यहाँ पर, और परफॉर्मेंस मोड, नॉर्मल मोड में लिमिटेड फंक्शन सूटेबल रहेगा, और परफॉर्मेंस मोड में करेंगे तो लिमिटेड फंक्शन बट मोर स्टेबल, तो ये थोड़ा मोर स्टेबल रहेगा बट लिमिटेड फंक्शन। तो नॉर्मल मोड में इसे रहकर रिकॉर्ड करिएगा, अच्छा रहेगा। और काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट, काउंट डाउन मतलब वीडियो को अगर जब स्टार्ट करते हैं आप तो 3 सेकेंड या जो भी 10 सेकेंड जितने टाइम स्टार्ट करना होगा आप सेट कर सकते हैं, मैंने 3 सेकेंड पे क्लियर कर रखा है। और पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रॉन शॉट, तो ऊपर स्क्रीन शॉट जब पॉपअप विंडो रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो दिया है, मैंने टिक लगाया तो ये बगल में शो करेगा स्विच कर ले स्क्रीन शॉट लेने के लिए, इसे हटा दूंगा तो वो हट जाएगा।
तो मैंने पॉपअप विंडो रख सकता है हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो अगर ये रिकॉर्ड विंडो जो शो कर रहा है आप उसे हाइड करना चाहते तो इस पर टिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, तो इसे वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर सेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो अगर इस पर आप टिक करते हैं तो अपना मोबाइल अगर सेक करेंगे जैसे हिलाने के लिए दिया तो वो रिकॉर्ड रुक जाएगा। तो मैं नहीं हिला सकता नहीं तो मेरा वीडियो रुक जाएगा, पर आप देख लीजिएगा करके क्योंकि मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे ये सिस्टम यहाँ पर स्क्रीन शॉट दिया टूल, ये ऐड आ गया, सॉरी मैं इसे कट करता हूँ। और यहाँ पर अगर कैमरा ऑन करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा ऊपर और उसी से रिकॉर्ड होने लगेगा। जैसे मेरा हो गया ओपन, देख सकते हो ऊपर, बट मैं फेस नहीं दिखा सकता तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर शो टच पे मतलब सेटिंग्स में जाकर कुछ परमिशन अलाउ करेंगे तो शो टच करेगा। वैसे मेरा शो कर रहा है, मैंने कर दिया है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है शो टच। और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट, मतलब जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं शॉर्टकट जो यहाँ पर दिखाता है दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर जो शो करता है जो भी लगाना चाहते हैं शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे यही सब अदर सेटिंग है, प्राइवेसी, इनके टर्म एंड कंडीशन, अदर यही सारे फीचर्स हैं इसमें। तो इस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करेंगे तो कम MB में भी डाउनलोड होगा, देख सकते हैं। जैसे पहला वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ 338 MB और ये फिर लेस करके 216 MB का हुआ है। तो ऐसे ही आप वीडियो को कंप्रेस करके कम कर सकते हो। और यहाँ पर एडिटिंग फीचर्स भी है और इसके डाउनलोड्स भी आपने प्ले स्टोर पर देखा कितने सारे हैं। तो मुझे ये एप्लीकेशन मैं कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया लगा। और इसमें आपको जो ऊपर टैग होता है जैसे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इस पर टैग उसका नहीं शो करेगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे बाय बाय करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं और हम चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।